न्यू फिल्म फ्रॉम ओरिसा। ओके सो भाई साहब, दमन यार, दमन मूवी के लिए गाइस काफी अच्छी खासी गुड न्यूज है और मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। जैसे मैंने इसको सोशल मीडिया के ऊपर देखा भाई, मैं तो कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं बोला भाई साहब ये तो शेयर करना बनता है सारे भाई बंधुओं के साथ। देखो गाइस सीन कैसा है कि आप भी यहाँ वेट करें, हम भी यहाँ वेट करेंगे भाई। जल्दी से जल्दी यहाँ पर मूवी को रिलीज करो यार, इसको हिंदी में रिलीज करो जल्दी से जल्दी भाई साहब। यहाँ पर इसका हिंदी ट्रेलर रिलीज करो। अब देखते हैं कब तक वो लोग इसका हिंदी ट्रेलर रिलीज करते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर किसी बंदे ने भैया हिंदी ट्रेलर को देखा है एंड हिंदी ट्रेलर को देख करके अपना रिव्यू भी शेयर किया है। किसके साथ? विशाल मौर्या मूवी के डायरेक्टर के साथ। भाई साहब यहाँ पर लेटेस्ट में अब विशाल मौर्या मिले थे अश्नीर ग्रोवर। अगर आप अश्नीर ग्रोवर को नहीं जानते भाई साहब, शार्क टैंक इंडिया आपने नाम सुना होगा, यस वही दोगलापन वाले अश्नीर ग्रोवर। उन्होंने अभी रिसेंट भाई साहब यहाँ पर दमन मूवी का हिंदी ट्रेलर देखा एंड उन्होंने इसके बारे में साफ साफ कहा कि मैं इस मूवी के बारे में प्रॉपर तरीके से ऑलरेडी सुन चुका हूँ, जानता हूँ, मैं इससे प्रॉपर तरीके से अवेयर हूँ एंड मैंने ओडिया इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी है। इट मीन्स कहीं ना कहीं उन्होंने इसके ट्रेलर को ऑलरेडी देखा था। फिर बाद में विशाल मौर्या सर ने जैसे इसको देखा, उन्हें काफ़ी पसंद है, उन्होंने काफ़ी जम करके इस मूवी की तारीफ की। एंड गाइस एक और ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है भाई साहब, यहाँ पर अब आपकी इस मूवी को इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल टास्क हो सकता है भाई साहब। अब यहाँ पर आपकी इस मूवी के ऊपर जहाँ पे बॉलीवुड भाई साहब कतरा रहे हैं बात करने के लिए, यहाँ भाई साहब जो फिलहाल के समय ट्रेंडिंग में चल रहा है गाइस साउथ इंडस्ट्री, यस गाइस साउथ इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स, बिगेस्ट डायरेक्टर्स भाई साहब यहाँ पर अब बात कर रहे हैं दमन मूवी के बारे में भाई साहब, ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। ये बहुत बड़ी बात है एंड मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी है सब, काफ़ी बड़ी खुशी और गुड न्यूज़ है यार। मतलब क्या बोलूँ अभी इसको मैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है भाई साहब। यहाँ पे साउथ इंडस्ट्री के ना तो बिगेस्ट सुपर स्टार्स प्रोड्यूसर्स में से एक पृथ्वीराज सुकुमार ने इस मूवी के बारे में जम करके तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ और इंडस्ट्रीज हैं जो अभी अपने आप को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इवॉल्व कर रही हैं एंड हमें उनके बारे में भी जानना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से हमें एक पहचान मिला है, उनको भी भाई साहब पहचान मिलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो गाइस यहाँ पे इनके साथ कमल हसन भी थे, एस एस राजामौली थे, काफ़ी बड़े बड़े बिगेस्ट सुपरस्टार्स, बिगेस्ट डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स में से एक थे साउथ इंडस्ट्री के, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के। आप जल्दी से क्लिप को एंजॉय करिए और बताइए आपको कैसा लगा। प्लीज वीडियो को फुल देखना, मिलते हैं वीडियो में, बाय। ब्रिलियंट अनएक्सप्लोर्ड माइंड्स वेटिंग देयर टू कम इनटू सिनेमा। The new film from Orissa, I forget the name of the film. I'm yet to see it. Everybody's been talking to me about it. In fact, Prashant Neel told me about that film. Yeah, so I mean, like Sir said, you know, we sit here and talk about North and South. We have unexplored territory, yeah. Open.